हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खास अपडेट। जी हाँ, एसपी कैसे बने यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने के लिए क्या करें, जाने यहाँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एजुकेशन टिप्स के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो का टॉपिक है एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे बने, पुलिस अधीक्षक बनने के लिए क्या करें। जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों पहले इस चैनल पर आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, एसपी कैसे बने, डीएसपी कैसे बने, पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, पुलिस सब इंस्पेक्टर कैसे बने, पुलिस कांस्टेबल कैसे बने तथा 12वीं के बाद पुलिस में नौकरी कैसे पाएं, इस बारे में जाना है। जैसा दोस्तों आपको बता दें, एसपी फुल फॉर्म इन पुलिस यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं और इसे शॉर्ट में एसपी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में एसपी कैसे बने इस बारे में जानने वाले हैं। चलिए अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एसपी कैसे बने इस बारे में। एसपी कैसे बने, बनने के लिए क्या करें, पूरी जानकारी। पुलिस में एसपी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन परीक्षाओं के जरिए बन सकते हैं। यूपीएससी सीएससी परीक्षा पास करके आईपीएस की पोस्ट प्राप्त करने के बाद 5 साल के अंदर पुलिस में एसपी बन सकते हैं। उसी तरह स्टेट पीएससी परीक्षा पास करके डीएसपी की पोस्ट प्राप्त करने के बाद लगभग 10 से 15 साल में एसपी बन सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप जान लेते हैं, पुलिस अधीक्षक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है और आयु सीमा क्या है। तो बता दें आपको, जो उम्मीदवार एसपी अर्थात पुलिस अधीक्षक बनना चाहते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम स्नातक यानी कि ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है, तभी उम्मीदवार आगे की प्रोसेस के लिए पात्र हो सकता है। तो आगे आता है पुलिस अधीक्षक बनने के लिए क्या है आयु सीमा। तो बता दें आपको, जनरल उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। तो वही ओबीसी उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। तो वही एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। जैसा कि आगे जान लेते हैं, पुलिस अधीक्षक बनने के लिए क्या है शारीरिक योग्यता। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वही महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों की छाती 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आरक्षित जाति के उम्मीदवारों को ऊंचाई और छाती में कुछ सेमी की छूट दी जाएगी। तो वही बात करें नजर की, तो 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। जैसा कि आप जान लेते हैं, एसपी परीक्षा की तैयारी और चयन प्रक्रिया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए आईपीएस से एसपी बनना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इस परीक्षा के जरिए आप कम समय में एसपी बन सकते हैं। इसके अलावा आप डीएसपी पद से पदोन्नति के जरिए एसपी बन सकते हैं। आप यूपीएससी सिविल सर्विस या स्टेट पीएससी परीक्षा के जरिए डीएसपी बन सकते हैं। जैसा कि आप जान लेते हैं आखिर में कि एसपी के पदों पर वेतन कितना मिलता है, तो बता दें आपको, पुलिस विभाग में एसपी अर्थात पुलिस अधीक्षक को उसकी जॉब के अनुसार ठीक ठाक वेतन दिया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, एक पुलिस अधीक्षक 15,600 से 39,000 रुपए प्रतिमाह वेतन, साथ ही 7,600 रुपए का ग्रेड भी दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सुविधा भी दी जाती है। जैसा कि दोस्तों, यदि एसपी कैसे बने इन हिंदी इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल है, जैसे आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी ही अपडेट से वाकिफ रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।